स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। मैं हूं आदाब खान और वक्त हो चला है आज की तमाम ताजा खबरों से आपको रूबरू कराने का। कथित ईवीएम के गायब होने का मामला हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज किया गया। 20 लाख ईवीएम गायब होने के मामले ईवीएम की राशि वसूली जाए, सीबीआई से इन्वायरी करवाई जाए। याचिका चुनाव आयुक्त सहित 14 लोगों को बनाया पार्टी सीईओ भोपाल। ग्वालियर कलेक्टर मुरैना, कलेक्टर भिंड गुना को भी बनाया पार्टी इन जिले। जिलों को गायब हुई ईवीएम का हुआ है उपयोग। उमेश कुमार बोहरे ने लगाई है याचिका। पिटीशन मैंने माननीय उच्च न्यायालय में इस बात की लगाई थी कि 20 लाख ईवीएम मशीनें जो निर्वाचन आयोग के कब्जे से गुम हुई हैं, हमारा कहना है कि उन मशीनों का लोकसभा 2019 के चुनाव में पूरे भारत में एवं ग्वालियर चंबल संभाग में दुरुपयोग हुआ है। उन मशीनों के संबंध में मैंने नोटिस भेजा था भारत सरकार को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सभी को। 14 पार्टी बनाई तो हमारा कहना ये था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज किया जाए, 20 लाख ईवीएम मशीनों की कीमत वसूल की जाए, सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी पिटीशन में अंतिम बहस सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया। इनपुट हेड संजय शिराड की रिपोर्ट।